भाजपा की महापौर प्रत्याशी के कार्यालय का हुआ भव्य शुभारंभ। कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। वेल्डिंग की आड़ में संचालित हो रही अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। बड़ी मात्रा में तमंचे की नाल और तमंचे किए बरामद। हर दो गज तालाब में मगरमच्छ के आने से गांव में दिखा भय का माहौल। वन विभाग के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ रस्सी से बांधा। बाइक से जा रहे साले के साथ जीजा को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। घायल अवस्था में जेएन मेडिकल में कराया भर्ती। पुलिस कार्यवाही में जुटी। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने दिया 3 तलाक। पीड़िता ने लगाई एसएसपी से मदद की गुहार। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रशांत सिंगल के रामलीला मैदान में भाजपा के चुनाव कार्यालय पर हवन पूजन के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। इतना ही नहीं, यहां की भव्य पूजा में अपार भीड़ की लोगों का तांता लग गया। जहां महापौर प्रत्याशी एक तरफ गदगद हो गए तो वहीं एक पल के लिए भावुक होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की भीड़ को दंडवत प्रणाम किया। रामलीला मैदान में आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया गया, जबकि इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ तमाम भाजपा नेता, मंत्री, सांसद और कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम उद्योगपति व सभ्रांत लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंगल ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि अगर जनता ने उन्हें ताकत दी तो वह सबको यकीन दिलाना चाहेंगे कि यहां अलीगढ़ के विकास के लिए वह और उनका परिवार सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, इसके लिए मैं पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस अवसर पर सांसद सतीश गौतम, एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, मंत्री अनुप वाल्मीकि और संदीप सिंह के अलावा कुल विधायक अनिल पाराशर, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह जैसे सभी सम्मानित लोग उपस्थित रहे। देना चाहता हूँ ऊपर वाले का, सभी मंचन अतिथियों का और सारे सभी कार्यकर्ताओं का कि वो भारी संख्या में यहाँ आए और मुझे उत्साह प्रदान किया। बस सभी वार्ड मेंबर को उन्होंने उत्साह प्रदान किया। सबसे नई सोच, नई उमंग, नई जोश के साथ मैं सारे सभी पार्षदों के साथ इस शहर को आगे बढ़ाने के जी जान लगा रहा हूं। यही मेरा संकल्प है। सफाई, अतिक्रमण और वेस्ट मैनेजमेंट। और जिस तरह जनता आपको मौका देती है, तो पांच कार्य बताए कितने को करेंगे, कहां से पांच कार्य बताए जो आपको पहल करेंगे। सबसे पहला कार्य सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, अतिक्रमण, प्रॉपर जल निकासी और प्रॉपर लाइटिंग। अलीगढ़ में घुसते ही यहाँ की कोई भी जना जब अलीगढ़ में घुसे उसको ये महसूस हो कि यहाँ पे अब एक बहुत बड़े शहर में हम एंटर कर चुके हैं। ये टिकट बीजेपी के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारे युवाओं के संग कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों को साथ लेके हम इस अलीगढ़ को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। जनता पार्टी अलीगढ़ मेयर के प्रत्याशी श्री प्रशांत सिंगल जी का आज हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है और इस केंद्रीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं देख रहा हूं अलीगढ़ प्रभारी होने के नाते से अलीगढ़ की जनता में जोश है, जुनून है, उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के अलावा पूरे शहर की जनता में जोश और जुनून देख रहा हूँ और इन सबको देखते हुए हालत ऐसे लग रहे हैं कि प्रशांत सिंगल की 1 लाख से अधिक मतों से विजयी श्री होगी, प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। एक जानकारी और दे रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभासद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। विरोधियों पे, सपा पे, बसपा पे, कांग्रेस पे कोई प्रत्याशी तक नहीं है। हमारे चार पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं अब तक और मुझे लग रहा है कि लोगों में लड़ने की क्षमता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार को पसंद किया है, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को पसंद किया है, उत्तर प्रदेश में कानून के राज को पसंद किया है। जनता उन्हें चाहती है। अब डबल इंजन के साथ में अलीगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है, अलीगढ़ का विकास चाहती है और जो गुंडे माफिया है उनका सफाया करना चाहती है। भाजपा की टक्कर किसी से भी नहीं है। इस बार भाजपा का कैंडिडेट बड़े बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ जीते। कितने पार्षद निर्विरोध चुने गए? अभी तक 5 की गिनती सामने आई है। इसका मतलब साफ है कि विरोधियों पर लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है।
अलीगढ़ एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया है कि थाना सासनी गेट क्षेत्र के महेंद्र नगर निवासी रवि को गुड़गांव में स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के पला साहिबाबाद में वेल्डिंग कार्य की आड़ में घर में ही तमंचा फैक्ट्री चला रहे नरेंद्र शर्मा से तमंचे खरीदने की पुलिस को सूचना दी। आरोपी से जानकारी प्राप्त कर गुड़गांव पुलिस ने सासनी गेट पुलिस को इसकी सारी सूचना दी तो पुलिस ने देर रात नरेंद्र शर्मा के घर पर छापेमारी कार्रवाई कर अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित कर रहे नरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करने के साथ मौके से 315 बोर के तमंचे की 23 बनी नाल, 22 बोर की 14 नाल, अवैध 315 बोर की 3 तमंचे व तमंचे बनाने की उपकरण बरामद किए। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस घटना के संबंध में सुगंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही में जुटी है। रवि पुत्र विनोद सिंह निवासी महेंद्र नगर थाना सासनी गेट को गुड़गांव में स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा इस संबंध में उनके द्वारा थाना सासनी गेट पुलिस को अवगत कराया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा जब रवि से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थाना सासनी गेट के अंतर्गत पलाल साहिबाबाद में रहने वाले नरेंद्र शर्मा जो कि अपने घर में ही वेल्डिंग का कार्य करता है के द्वारा उसको तमंचे दिए गए थे। इस सूचना पर थाना सासनी गेट पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो नरेंद्र शर्मा जहां पर अपने घर पे वेल्डिंग करता है उसके वेल्डिंग के स्थान से 315 बोर की 23 बनी हुई नाल, 32 बोर की 14 नाल, 3 चालू हालत के तमंचे और अवैध शस्त्र फैक्ट्री से संबंधित 34 उपकरण व वस्तुएं बरामद हुई। इस संबंध में थाना सासनी गेट में 5/25 आम सेट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त नरेंद्र शर्मा से उसके साथियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नरेंद्र शर्मा को जेल भेज इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ हरदोगंज के गांव चौगानपुर में तालाब में पिछले कई दिनों से मगरमच्छ होने की खबर ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई थी। बता दें तालाब में पिछले कई दिनों से मगरमच्छ पना ले रहा था जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल था, लेकिन गर्मी के कारण तालाब से अब मगरमच्छ बाहर आया तो ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, लेकिन वन विभाग के पहुँचने से पहले ही गाँव के लोगों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांध कर पकड़ लिया। वन विभाग की टीम ने बताया कि पिछले कई दिनों से गांव से सूचना मिल रही थी कि यहां बड़ा मगरमच्छ है और गांव के लोग भी इससे भयभीत थे। बुधवार को यानी आज मगरमच्छ तालाब से जब गर्मी की वजह से बाहर आया तो गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचना तो दे दी, लेकिन वन विभाग के आने से पहले ही गांव के लोगों ने हिम्मत करके रस्सी से मगरमच्छ को बांध दिया। बमुश्किल करीब आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बांध कर काबू में तो कर लिया, लेकिन वन विभाग की टीम को सूचित करने के बाद उनका इंतजार किया। जब टीम मौके पर पहुंची तो मगरमच्छ को गंगा में छोड़ने की बात कहते हुए अपने साथ ले गई। इस दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अच्छा, जो ये जो गांव में ये जो मगरमच्छ पकड़ा गया, ये कैसे? मगरमच्छ की सूचना मिली है, तालाब में मगरमच्छ कई दिन से है। सूचना पर हम गाँव पहुँचे तो ये मगरमच्छ को गाँव वालों ने बांध लिया और इसको अब हम सुरक्षित गंगा जी में या नहर में ले जाके छोड़ेंगे। अच्छा, इसने किसी पर हमला तो नहीं किया? किसी पर हमला नहीं किया, सिर्फ मछली खाता है। थाना महुआखेड़ा क्षेत्र के निवासी शाकिर अपने बहनोई शहाबुद्दीन को लेकर कस्बा कोड़ियागंज आ रहे थे। इसी दौरान थाना महुआखेड़ा क्षेत्र में जीडी रोड पर धनीपुर हवाई पट्टी के सामने अज्ञात बाइक सवार ने जीजा साले पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बाइक सवार शहाबुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस के साथ सीओ द्वितीय पुनीत द्विवेदी जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां उन्होंने घायल और उनके परिजनों से सारी जानकारी ली। जानकारी के अनुसार बताया कि घायल खतरे से बाहर है और तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर नाम है। तो क्या घटना हुई है साकिर, क्या किस बात को लेके गोली मार दी? मैं तारिक से आ रहा था कोर्ट में, आज गवाही थी मेरी, तारिक से आ रहा था मैं, वो वहाँ से पीछे से आए थे, गाड़ी थी उन पे और हवाई पट्टी के पास आने में जैसे गाड़ी मिलती है हवाई जहाज के लिए, वहाँ से पहले ही सौरभ ने गोली निकाल कर चला दी तुरंत। सौरभ कौन है? सौरभ जो है राजेश बांसड़े का बेटा है। किस बात को लेके गोली मारी है? उनने अज्ञात में मुझ पर एक मुकदमा लगा रखा है, अपने पापा की हत्या करवा थाने से।
जिनकी गोली लगी है वो मेरे बहन हुई है, मेरे साथ आती हैं। तकरीबन कितने बजे की घटना है? ये 5 के और 4 के बीच की घटना। कितने लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है? जो दो लोग मैंने पहचान लिए और दो लोगों को मैं चेहरे से जानता हूँ, मतलब वैसे नाम नहीं जानता हूँ उनका। कौड़ियागंज के ही है वो भी। आज शाम धनीपुर एयरपोर्ट के पास थाना महुआखेड़ा में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना थी। घायल को उपचार हेतु जैन मेडिकल में भर्ती कराया गया तथा उसकी चोट को सतही तौर पर लगना बताया गया है और वह व्यक्ति अभी खतरे से बाहर है। मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इसमें एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। एक तरफ भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है तो वहीं दूसरी ओर बहन बेटियों पर आए दिन अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही घटना एक अलीगढ़ के राजा नगर रेहाना की है, जहां निकाह के 3 साल बाद उसके पति शाहिद खान ने जहेज का पैसा न लाने पर उसे 3 तलाक देकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। रेहाना ने पास के ही पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई पर कोई कार्यवाही ना होता देख हताश रेहाना अब SSP कार्यालय आकर मदद की गुहार लगा रही है। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।